अच्छा तो शहबाज साहब, ये है वो अहम जगह जहाँ बैठ के तमाम अहम अहम फैसले होते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है जी, यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग बैठते हैं और काम करते हैं। अच्छा, बहुत सारे फैसलों के साथ यहाँ पे बहुत सारे लोगों की डांट डपट भी होती होगी। बिल्कुल जी ऐसा ही है जी, बहुत सारे लोगों की डांट डपट भी होती है लेकिन ऐसा नहीं है, मेरी कोशिश होती है कि अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ फ्रेंडली माहौल में काम किया जाए, उनको मौका दिया जाए आगे बढ़ने का, वो अपनी ज़िंदगी में लर्न करें और आगे बढ़ें, और वो भी वो जैसे मेरी कामयाबी है उनकी भी काम। आपकी बात से ऐसा मालूम है कि आप डांट डपट को इग्नोर ही करते हैं, तो फिर अच्छा टीम लीडर बनना या फिर अच्छी टीम वर्क को बरकरार रखना, इसकी कोई टिप आपके पास? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि मैं समझता हूँ कि बंदे को सबसे ज़रूरी काम है ईमानदारी से काम करना चाहिए, अपनी डेडिकेशन जो है वो अपने काम में बहुत ज़रूरी है जी, ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ और प्रोफेशनली इस चीज़ को लेना चाहिए, ताकि बंदा ज़िंदगी में फिर ही कामयाब हो सकता है जब बंदा प्रोफेशनली उस पर काम करता है जी। उतनी देर तक मैं समझता हूँ बंदा कामयाब नहीं होता है जब तक उसको एज ए प्रोफेशन नहीं लेता, अपने आप को एक्सेलरेट करने के लिए उसको स्किल पे काम करना पड़ता है, और ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा शहबाज़ साहब, पूरी अगर इंटरव्यू की बात करें तो आपने नाउमीदी और मायूसी की कोई बात नहीं की, क्या आप नाउमीदी और मायूसी वाला फेज बताना नहीं चाहते या फिर आपको वाकई इसको इसका सामना नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं समझता हूँ ज़िंदगी में मुश्किल टाइम आते हैं और गुजर जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग मायूस नहीं ना होते वही ज़िंदगी में कुछ कर पाते हैं, तो मैं कभी भी मायूसी की बात ना करता हूँ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मायूसी मैं समझता हूँ गुनाह है और बिल्कुल भी नहीं, हमने इस चीज़ को लेके आना अपनी ज़िंदगी में, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हर प्रॉब्लम का सलूशन हो सकता है, हर एक का हल ढूंढा जा सकता है, और बिजनेस और कामयाबी है ही प्रॉब्लम का सलूशन का नाम है। जो लोग ये नहीं कर पाते वो ज़िंदगी में कभी भी अच्छा या बड़ा कुछ नहीं कर पाते, सक्सेसफुल नहीं होते। बेहतरीन, ये तो हो गई सीईओ वाली बात, अगले 10 साल में वेब एक्सेल को कहाँ पर देखते हैं? इंशाल्लाह जी, आप देखेंगे कि जो वेब एक्सेल का सफ़र है, मैं ये समझता हूँ कि हर रोज़ हमारे नए टारगेट्स हैं, और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी जो प्लस है, और इसके अलावा डिफरेंट सिटीज़ में हमने ऑफिस भी कर ली है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ग्रोथ है, ये फास्टली हो जाएगी, और इंशाल्लाह इसमें मुझे नज़र आता है कि आने वाले नेक्स्ट ईयर्स के अंदर वेब एक्सेल सारे अपने रिकॉर्ड तोड़ देगा जो कि लास्ट हमने किए हैं। पाकिस्तान में हम लोग सबसे, यूँ कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अलीबाबा का चैनल पार्टनर है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, जो लोगों की सपोर्ट करते हैं, और पूरे जो एशिया में है उसमें नंबर वन पे हम लोग हैं अलीबाबा के अंदर सेल्स के अंदर, तो इसका मतलब ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि पूरे एशिया के अंदर हमारा कोई भी सानी नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है जी। तो लेकिन नेक्स्ट जो टारगेट है वो बहुत बड़े हैं, गोल अपने रखे हुए हैं इंशाल्लाह, तो वो भी आपके साथ नेक्स्ट शेयर होते रहे। बेहतरीन। अच्छा, वेब एक्सेल का कोई कंपटीटर है शहबाज़ साहब? मेरा नहीं ख्याल वेब एक्सेल का कोई कंपटीटर अभी तक है, हम लोग अपने कंपटीटर आप ही हैं, क्योंकि हम लोग अपने लिए नए गोल्स हर रोज़ नए ले आते हैं, नए टारगेट फाइन कर लेते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा कोई अभी तक मुकाबले में मुझे तो नहीं नज़र आता। और मोहम्मद शहबाज़ सदीक साहब का कोई कंपटीटर? नहीं, ऐसा नहीं मेरा जी, हो सकता है वो तो सोच सकते हैं जी कोई भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने फैसले खुद करने होते हैं, और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी स्ट्रगल में गुजरी है, ऑलवेज ज़ीरो से स्टार्ट किया था, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और लोगों की हेल्प की है, उनके बिज़नेस को कामयाबी की है एक्चुअली, कि कैसे ज़िंदगी में कामयाबी ली जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है। इंशाल्लाह देखेंगे कि आपको बाकी कोई कंप्यूटर समझता तो समझे, बाकी मैं समझता हूँ मेरा कंप्यूटर कोई भी नहीं। आपने कहा कि आपने बहुत स्ट्रगल की है, आगाज़ थोड़ा उसके बारे में बताएं कि आगाज़ कैसा था? आगाज़ वेरी सिंपल, आप देखें जब भी मेरी फैमिली में कोई बिजनेस में नहीं था, कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड भी नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की, स्टडी किया, पढ़ा और एफर्ट करते रहे, तो अल्लाह का शुक्र है जी आज हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। उसमें बहुत लंबी स्टोरी है, उसके लिए फिर बताएंगे किसी दिन, मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरी मीटिंग का टाइम हो गया है, तो मेरा ख्याल है कि चले सर जाते, आप जो है सर एक पैगाम सागर वालों के नाम कर दें, क्योंकि मुझे पता आपकी मीटिंग का वक्त भी हो गया। मैं यार आपसे फिर मीटिंग करूँगा इससे आगे, नेक्स्ट स्पीड आपको टाइम देंगे आज, क्योंकि जो टाइम आपने छापा मारा है। चले सर, फिर थैंक यू सो मच, इट हैड अ ग्रेट टाइम, हैव अ गुड डे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच।
अपने बिजनेस को शुरू करने या बढ़ाने के लिए इस नंबर पर राबिता कीजिए 0334808611। वीडियो से मुतालिक अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए।